हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेटनरी एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़ ऑफ चैप्टर सेवन्थ। वैसे तो चैप्टर सेवन्थ में टर्शियरी एंड क्वेटनरी एक्टिविटीज़ आती हैं, बट टर्शियरी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्राइमरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्वेटनरी एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। आज सिर्फ हम क्वेटनरी एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्वेटनरी एंड क्वेनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। क्वेटनरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में ही आता है, यानी कि सर्विसेज ही होती हैं क्वेटनरी सेक्टर में भी, लेकिन टर्शियरी एक्टिविटीज से डिफरेंट होती हैं। सब डिविजन्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम टर्शियरी एक्टिविटीज से इनको डिफरेंट करते हैं। तो पॉइंट हम देख लेते हैं जो कि डिफ्रेंशिएशन बताते हैं क्वेटनरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें होगा मोर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जो भी इस सेक्टर में, क्वेटनरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, यानी कि जो भी व्यवसाय हैं, वो सभी किसमें मोर इंटेलेक्चुअल, यानी कि जिसमें बौद्धिक क्षमता की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो सारे क्वेटनरी सेक्टर में आते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा मोर स्किल्ड वर्कर्स, कि जो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में जो वर्कर्स होते हैं उनसे ज़्यादा स्किलफुल वर्कर्स की इस सेक्टर में नीड होती है। स्किल्ड वर्कर्स यानी कि जब हम उनको कह सकते हैं हाईली एजुकेटेड एंड टेक्निकली ट्रेंड वर्कर्स, वो सारे सभी किसमें आएंगे हमारे क्वेटनरी सेक्टर में। थर्ड पॉइंट इज नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज, कि इस सेक्टर में जो वर्क होता है वो नॉलेज ओरिएंटेड और इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि इस सेक्टर में जो होता है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेटनरी सेक्टर में जो भी वर्क इंक्लूड होता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम क्वेटनरी सेक्टर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन भी सभी किस में आते हैं, क्वेटनरी सेक्टर में आता है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड सर्विस लाइक म्यूचुअल फंड मैनेजर्स टू टैक्स कंसल्टेंट जो भी आएंगे वो भी क्वेटनरी सेक्टर में ही आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन की। एजुकेशन भी क्वेटनरी सेक्टर में कैसे इन्वॉल्व है, कि जो उसमें एलिमेंट्री स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के जो क्लासरूम में जो इंटेलेक्चुअल वर्क करवाते हैं वो भी किसमें आते हैं, क्वेटनरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। एक हम इसमें बता सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कि जिनकी हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जो डिमांड बढ़ रही है, यानी कि टेक्निकल वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर के जो भी वर्क होते हैं वो भी हमारे किसमें आते हैं, क्वेटनरी सेक्टर में आते हैं। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं इसमें, हेल्थ से रिलेटेड यानी कि डॉक्टर्स ऑफिसेज जो होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी क्वेटनरी सेक्टर में ही आते हैं। फाइनेंशियल भी जो होती हैं, यानी कि फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल के बारे में जो बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो भी हमारे किस में आती हैं, सभी क्वेटनरी सेक्टर में ही आती हैं। ये जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है, यानी कि सेंटर हम इसमें कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ में, तो वो होता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि जो सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं किस पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, कि इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड वर्क होते हैं, टेक्निकल वर्क होते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क किया जाता है क्वेटनरी सेक्टर में। एंड प्रेजेंट टाइम में जो हम देख रहे हैं, जो भी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पे क्या है कि जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन वर्क कर रही है, उनमें से आधे से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो नॉलेज सेक्टर यानी कि क्वेटनरी सेक्टर में ही लगी हुई है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो भी हमारी वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें क्या करती हैं, वो प्राइमरी और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उस कंट्री में जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को कम कर दिया गया है।
इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट की गई यानी इनके जगह पर जो करवाए जाते हैं वो होते हैं टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ये क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जो इंडस्ट्रियल जो वर्क होता था उसको कम करके टर्शरी एक्टिविटीज यानी कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंजिंग का जो वर्क था और क्वार्टरनरी सेक्टर जो इंफॉर्मेशन, टेक्निकल और जो नॉलेज पे बेस्ड वर्क उसको ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो इसका रिजल्ट भी जो हम क्या देखते हैं, रिजल्ट में हम देखते हैं कि जो टर्शरी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया, इकोनॉमी भी वहाँ भी ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो हम इसमें रिजल्ट में हम बता सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये एक मेन जो रीज़न बताया गया है कि कैसे जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ पे इकोनॉमी कैसे डेवलप करती है। तो लास्टली कॉन्क्लूजन में हम क्या बता सकते हैं कि क्वार्टरनरी सेक्टर इंफॉर्मेशन, टेक्निकल एंड नॉलेज बेस्ड वर्क जो होते हैं वो सारे क्वार्टरनरी सेक्टर में ही करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो भी इस सेक्टर में रिलेटेड हैं यानी कि जो पॉपुलेशन या जो वर्कर्स इनमें रिलेट हैं इस सेक्टर में वो जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स में आते हैं या हम क्वार्टरनरी सेक्टर को व्हाइट कॉलर जॉब सेक्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फैक्टर्स की, जो हमारे फैक्टर्स आते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ के फैक्टर्स वो कौन से फैक्टर हैं जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देख लेते हैं हमारे टू फैक्टर्स आएंगे इसमें। फर्स्ट उसमें होगा एक्सेस टू कैपिटल एंड सेकंड इज एक्सेस टू स्किल्ड लेबर फोर्स। एक्सेस टू कैपिटल में हम क्या देखते हैं कि जो वेल डेवलप्ड जो इकोनॉमीज हैं या जहां पे कैपिटल कि असेसमेंट ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगी, जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी सक्सेसफुली और एक रेगुलर वे में वर्क करते हैं। क्योंकि जहाँ पे कैपिटल ही नहीं होगा वो जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं ना तो उनको बना सकते हैं ना ही उनको खरीद सकते हैं। तो क्वार्टरनरी सेक्टर की जो लोकेशन के लिए या हम कह सकते हैं इसकी क्वार्टरनरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो एक्सेस टू कैपिटल की, कैपिटल की असेसमेंट नीड करती है वहाँ पे या ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट हम इसमें देखते हैं एक्सेस टू स्किल्ड लेबर फोर्स कि जिस कंट्री में लेबर फोर्स यानी स्किल्ड लेबर फोर्स होगी, हाईली एजुकेटेड पर्सन्स होंगे, टेक्निकल ट्रेंड वर्कर्स होंगे, वहाँ पर भी क्वार्टरनरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप करेगा। तो ये फैक्टर्स थे जो क्वार्टरनरी सेक्टर के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर इज ऑल्सो सब डिवीजन ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, क्योंकि ये भी सर्विस सेक्टर में ही आता है लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्वार्टरनरी और टर्शियरी एक्टिविटीज इसको डिफरेंट करते हैं। तो वो पॉइंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसमें बता सकते हैं हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग कि इस सेक्टर में जो क्वार्टरनरी सेक्टर में हाईएस्ट लेवल पे जो किसी भी सोसाइटी के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं और जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो सभी क्वार्टरनरी सेक्टर में आते हैं। सेकंड पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन कि डाटा इंटरप्रिटेशन का जो भी वर्क होता है यानी कि डाटा की जो व्याख्या की जाती है वो भी हमारे क्वार्टरनरी सेक्टर में ही आता है। थर्ड पॉइंट इज यूज एंड इवैल्यूएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज कि इस सेक्टर में जो भी यूज़ की करना और उनका इवैल्यूएशन विश्लेषण हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का, वो वर्क भी हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर में ही किया जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज क्रिएशन एंड रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ
न्यू आइडियाज, कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो न्यू आइडियाज क्रिएट किए जाते हैं और न्यू आइडियाज जो रीअरेंजमेंट किया जाता है उनका, वो भी हमारा क्वेनरी सेक्टर में ही आता है। ये हमने बात की क्वेनरी सेक्टर की, कि जो हम बताते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज में सबसे टॉप लेवल पे आती है, जो इसमें इसमें जो वर्क करते हैं वर्कर्स, उनकी रैंक भी हाईएस्ट लेवल की होती है, उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो भी टॉप लेवल का होता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं इनके साथ साथ वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम क्वेनरी सेक्टर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें हमारी आती है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, टॉप एग्जीक्यूटिव, सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, कल्चर, मीडिया से रिलेटेड, और जो जजेस होते हैं हमारे, वो सभी हमारे किस में आते हैं, क्वेनरी सेक्टर में ही आती हैं। यानी कि जो भी उनसे रिलेटेड जो वर्क होता है वो सभी क्वेनरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इस सेक्टर में जो वर्क करते हैं, यानी कि सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं उनको हम गोल्डन कॉलर वर्कर्स बोल सकते हैं, या फिर हम क्वेनरी सेक्टर को गोल्डन कॉलर जॉब सेक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आउटसोर्सिंग, जो क्या आता है, क्वेनरी एक्टिविटीज में ही आता है। ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मीनिंग होता है जब काम किसी बाहरी एजेंसी को दे दिया जाता है या सौंप दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग होने के टू रीजंस होते हैं, क्यों करवाया जाता है आउटसोर्सिंग। तो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट, कि जो भी कॉस्ट लगती है किसी भी वर्क करने के लिए, वो अगर कम हो जाती है तो आउटसोर्सिंग करवाया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें आता है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, कि जो भी वर्क की एफिशिएंसी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये टू रीजंस होते हैं जैसे कि किसी भी एजेंसी से काम करवाने की, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। अब वो कंट्रीज होती है, यानी कि जब भी ओवरसीज लोकेशन में करवाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग। यानी कि एक देश जब दूसरे देश से करवाता है, कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज जब डेवलपिंग कंट्रीज से वर्क करवाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑफशोरिंग। अब ऑफशोरिंग जो होती है वो किन देशों में करवाई जाती है, वो भी उसमें हम टू पॉइंट देख लेते हैं कि जो आउटसोर्सिंग के लिए कौन कौन सी कंट्रीज में करवाए जाते हैं। आउटसोर्सिंग कंट्रीज जिनको हम कह सकते हैं जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लो, कि जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी होती है, लो लेवल। सेकेंड वन इज हाई एजुकेटेड वर्कर्स अवेलेबल एट चीपर रेट। जो आउटसोर्सिंग का जो वर्क करवाया जाता है वो उन देशों में करवाया जाता है जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग लो लेवल पे होती है, और जहाँ पर हाई एजुकेटेड टेक्निकल ट्रेंड वर्कर्स चीपर रेट में, यानी कि सस्ते भाव में अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ पर आउटसोर्सिंग करवाया जाता है। आउटसोर्सिंग से क्या होता है कि जो आउट माइग्रेटिंग जो कंट्रीज, हम किन को कहेंगे, आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज होती हैं, कि जहाँ पे आउटसोर्सिंग वर्क करवाया जा रहा है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज, जब डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, कोस्टा रिका, साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप पार्ट, तो वो सभी हमारे किस में आएंगी, आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज में और आउटसोर्सिंग कंट्रीज में आती हैं। अब इनसे जो रिजल्ट निकल के आते हैं, यानी कि रिजल्ट क्या निकलता है आउटसोर्सिंग होने का, तो वो रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज। कि जो माइग्रेशन होता था डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में, अब वो कम हो गया आउटसोर्सिंग के चलते, क्योंकि आउटसोर्सिंग में क्या करती हैं, डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से वर्क करवा लेती हैं। अब जो पॉपुलेशन वर्क करने के लिए आउटसाइड जाती थी, डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेशन करती थी, वो कम हो गया। जैसे हम देख सकते हैं
कि जो यूएस और जापान जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंडिया और इसराइल जैसी कंपनी से ही वर्क करवा लेती हैं और माइग्रेशन को कम कर दिया। सेकंड पॉइंट इसमें हमारा होगा ग्रेट रेजिस्टेंस। फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ इन आउटसोर्सिंग कंट्रीज। आउटसोर्सिंग कंट्रीज कि आउटसोर्सिंग कंट्रीज में अभी इसका नेगेटिव पॉइंट क्या निकल के आया है कि जो आउटसोर्सिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन यानी कि जो जॉब सर्च करते हैं वो यूथ्स, उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, तो उसके कारण जो आउटसोर्सिंग कंट्रीज हैं वो रेजिस्टेंस को फेस करती हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे हमारे। अब हम देखते हैं डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड की जब भी हम बात करते हैं तो हमें देखना है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो डेवलपमेंट है वो ऑल वर्ल्ड में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऑल कंट्रीज में उनकी जो इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है कि ये देखना है कि ऑल कंट्रीज में यानी कि जो भी देश हैं वो अपने नागरिकों को ICT से रिलेटेड जो असेसमेंट हैं और जो बेनिफिट्स वो किस लेवल पर प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हम जो देख लेते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या करते हैं, जो ICT के जो असेसमेंट और बेनिफिट्स अपने देश में वो हाई लेवल पर प्रोवाइड करवाती हैं, तो हम इसको कह सकते हैं मूविंग फार अहेड, कि जो इसको प्रोवाइड करवाने में आगे निकल गई। और साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करवाती हैं, लो लेवल पर प्रोवाइड करवाती हैं, तो हम इसको कह सकते हैं लैगिंग फॉर बिहाइंड, कि जो पिछड़ गई है, पीछे रह गई हैं। तो अब हमें जो देखना है कि जो अहेड और जो बिहाइंड हम देख रहे हैं इन दोनों में जो डिफरेंसेस बताते हैं तो वही क्या होता है डिजिटल डिवाइड, उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। और अच्छे से हम इसको कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई भी देश है लाइक इंडिया, उसमें कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनकी कनेक्टिविटी डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा होती है देन जो सराउंडिंग जो रूरल एरियाज हैं उनसे, तो हम उसमें क्या समझ सकते हैं कि रूरल एरियाज में जो कनेक्टिविटी है वो डिजिटल वर्ल्ड की वो कम मिलती है जबकि मेट्रोपॉलिटन जो सेंटर्स हैं उनमें ज़्यादा मिलती है। तो जो डिफरेंसेस हम वहाँ देख रहे हैं वही सेम हम यहाँ देखते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, वही हमारा क्या कहलाता है डिजिटल डिवाइड। ओके फ्रेंड्स, ये हमने क्वेटनरी एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं क्वेटनरी एंड क्वेनरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।